केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वाराणसी जाएंगे, जहां पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेखक हेमंत शर्मा की लिखी पुस्तक देखो हमारी काशी का लोकार्पण करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विशिष्ट अतिथि के तौर पर होंगे और इसी कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। और बात करेंगे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, वाराणसी के दौरे पर राजनाथ सिंह, क्या जानकारी? देखिए, ये पूरी तरह से उनका निजी कार्यक्रम है और ये रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होना है। एक निजी चैनल में संपादक, निजी पेपर में संपादक रहे और लेखक रहे हेमंत शर्मा की तरफ से एक पुस्तक लिखी गई है, देखो हमार काशी। इस काशी के लोकार्पण के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह के अलावा बात करें तो केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान होंगे, आरएसएस के सरसंघचालक दत्तात्रेय होसबोले होंगे। इसके अलावा तमाम बड़े नेता, कुछ मुख्यमंत्रियों के भी आगमन की सूचना है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उसके बाद राजनाथ सिंह का उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। इसके बाद देर रात वो सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग भी है, कुछ पदाधिकारियों के साथ आने वाले समय में, चूंकि 2024 का चुनाव भी निकट है और वो चंदौली से ही वो बिलोंग करते हैं, तो लिहाजा कुछ पूरे मामले को देखा जाए तो एक तरह से निजी कार्यक्रम के साथ साथ चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं के साथ वो मंथन बैठक भी कर सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर जो सुरक्षा की बात है, वो देश के रक्षा मंत्री है, तो लिहाजा जो अधिकारियों की तरफ से जो उनके सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल है वो भी मेंटेन किए जा रहे हैं। अधिकारियों को लेकर लगातार बैठक भी किया जा रहा है। जो एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद कराई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह चूंकि वाराणसी के दौरे पर हैं, हालांकि वो हेमंत शर्मा की पुस्तक का विमोचन होगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, ये कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं अभिषेक की, चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और बीजेपी कभी भी किसी एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए नहीं पहुँचती है, वो बहुत प्री प्लानिंग के साथ हमेशा पहुँचती है। चूंकि चुनाव बेहद करीब है तो ऐसे में जनता के दिल को टटोलने की भी बीजेपी हमेशा कोशिश करती है, तो इस कार्यक्रम को हम उस तरीके से भी देख सकते हैं इस दौरे को। देखिए, ये जो कार्यक्रम है मुख्य तौर पे देखो हमार काशी, यानी काशी में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, काशी कैसे बदली हुई इन 8 सालों में, इन सब बातों का उस किताब में जिक्र किया गया है। और जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि काशी वास्तव में बदली हुई है। तो उस दौरान न सिर्फ राजनेता बल्कि पॉलिटिकल लोग होंगे, उस दौरान शहर के जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए बुद्धिजीवी लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लिहाजा एक बार उनसे भी जो इंटरेक्शन होगा लोगों का, जो आमतौर पर संवाद होता है जो प्रबुद्ध जनों से, तो वो इंटरेक्शन का भी कार्यक्रम वहाँ पे हो जाएगा। यानी कि आप देखें तो ये तो कार्यक्रम तो एक निजी कार्यक्रम है, लेकिन उस दौरान वो उन पॉलिटिकल जो मायने होते हैं उन बातों को भी वो साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ तमाम ऐसे लोग होंगे, उनका संबोधन होगा। संबोधन है तो चूंकि उस किताब में काशी के डेवलपमेंट के बारे में लिखी गई है, तो उस किताब से संबंधित यानी कि किताब को वो संबोधन करेंगे। इसके साथ साथ वो काशी में जो विकास हुए हैं, काशी के आसपास जो विकास हुए हैं, उन विकास को भी उन प्रबुद्ध जन के सामने रखेंगे और ये संदेश भी देना चाहेंगे कि ये प्रबुद्ध जन जाके ऐसी बात बताए कि हाँ काशी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, यानी जो सरकार कर रही है पॉजिटिव वे में काम कर रही है। तो लिहाजा इन सब बातों को स्प्रेड करने का, फैलाने का माध्यम हो सकता है सिर्फ ये कार्यक्रम। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये चुनाव के नजरिए से ये एक अहम दौरा होने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद बगल के जिले चंदौली से बिलोंग करते हैं, जहाँ से केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे अभी फिलहाल सांसद है। तो ये पूरा जो दौरा है किताब के लोकार्पण के साथ साथ उनका एक चुनावी दौरा भी हो सकता है। और इसके अलावा वो रात में भी जब सर्किट हाउस में रुकेंगे तो न सिर्फ काशी बल्कि काशी के आसपास के जो जिले के जो पदाधिकारी होंगे वो पदाधिकारी भी यहाँ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे, क्या कुछ समीकरण हो रहे हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग हो रही है, इस पूरी प्लानिंग को लेकर उनसे बातचीत भी करेंगे रात में। अभिषेक, चूंकि देखिए राजनाथ सिंह का ये 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है और आज जिस तरह से पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आज वो शामिल होने वाले हैं, जाहिर है कि काशी विश्वनाथ धाम के भी वो दर्शन पूजन करेंगे। देखिए, अभी जो प्रारंभिक प्रोटोकॉल मिला है 2 दिवसीय दौरा उनका मिला है, वो देर करीब 4 बजे के आसपास वो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे, जहां पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जो उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक मंत्री है वहां पर रिसीव करेंगे। और उसके बाद वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहाँ पे ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होना, वहां से करीब 2-2.5 घंटे वहां पे शिरकत करेंगे, अपने बातों को वहां पे सामने रखेंगे जनता के सामने। और उसके बाद वो वापस सर्किट हाउस आएंगे, जहाँ पे पदाधिकारियों से
मिलेंगे और उसके बाद रात्रि निवास करेंगे। और अभी तक का जो प्रोटोकॉल है वो कल सुबह यहाँ से 9 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। जी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ शामिल रहने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी। देखिए, भूपेंद्र सिंह चौधरी नहीं बल्कि आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी अब से थोड़ी देर बाद वाराणसी पहुंचने वाले हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में बृजेश पाठक का और भूपेंद्र सिंह चौधरी का उनसे कार्यक्रम अलग है। भूपेंद्र चौधरी यहां से अभी काशी क्षेत्र के कार्यालय की तरफ निकले हैं जहाँ पे उनका स्वागत समारोह है, क्योंकि काशी क्षेत्र के जो सभी पदाधिकारी हैं वो वहाँ पहुंचे उनके स्वागत के लिए। भूपेंद्र चौधरी बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, जिसके लेकर वही उनका पहला काशी दौरा है। कल देर रात वो बनारस पहुंचे थे जहाँ पर कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से तमाम तरह के स्वागत किया गया और जगह जगह चौराहे पे चौक चौराहे पर रुकते हुए स्वागत करते हुए करीब रात 11 बजे आए जहां पे सर्किट हाउस विश्राम किए और सुबह वो बाबा काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किए, बाबा काल भैरव भी दर्शन पूजन किए और उसके बाद जो संगठन की जो बैठक होने वाली है काशी क्षेत्र के कार्यालय में वो काशी क्षेत्र के कार्यालय की तरफ कूच कर लिए हैं। जी, देखो हमरी काशी, जो ये पुस्तक विमोचन होने वाला है, नाम से ही बहुत कुछ जाहिर हो रहा है कि देखो हमरी काशी। इसमें काशी की कह सकते हैं यहाँ पर अभिषेक की एक एक गली, एक एक नुक्कड़, एक एक जगह का तरीके से विमोचन होगा। देखिए, ये जो पुस्तक है देखो हमरी काशी, इस पूरी पुस्तक में काशी के बारे में, काशी में बीते इन 8 सालों में कैसे डेवलपमेंट हुए, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे टूरिस्ट के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे कल्चरल हेरिटेज के क्षेत्र में हो, चाहे घाटों को लेकर सवारी की बात हो, या फिर एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, जो वाटर इनलैंड अथॉरिटी होती है उनकी बात हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं उस पूरी काशी में बताई जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुए और डेवलपमेंट को देखने के लिए जो सब लोग आ रहे हैं बाहर से, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पूरी काशी में जो सावन का महीना होता था करीब 5 से 7 लाख लोग आते थे, लेकिन ये जो आंकड़ा रहा इस बार करोड़ के पास चला गया। यानी कि आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जो टूरिस्टों की जो संख्या है वो कितनी तेजी से बढ़ी है और इस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का जो पूरा तरीका है सिर्फ काशी में डेवलपमेंट हुआ है। और इसी डेवलपमेंट को लेकर इस पूरी पुस्तक में पूरा लोकार्पण किया गया, क्योंकि हेमंत शर्मा एक बड़े लेखक हैं और वो तो लगा सरकार के करीबी भी रहे हैं, तो लिहाजा इस पूरी पुस्तक को लेकर जो यहाँ के डेवलपमेंट हुए इस पूरी डेवलपमेंट को वहाँ पे डिस्प्ले किया गया उस पुस्तक में। और डिस्प्ले होने के बाद अब क्या कुछ इसका पॉजिटिव, क्या कुछ रिजल्ट होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, देखिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो की काशी के दौरे पर है, वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम है और राजनाथ सिंह काशी के दौरे पर इस पुस्तक यानी कि देखो हमरी काशी का विमोचन करेंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभिषेक जानकारी को।